अभी की कुछ ही देर पहले मेरे हाथों से श्रवणी नर्सिंग होम ईदी बाजार में एक मेडिकल कैंप का अफ्तिताह हुआ, जनरल मेडिकल कैंप, जिसमें कार्डियोलॉजी, ऑप्थोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, तमाम दूसरे जितने भी है, तमाम शोबे जात में यहाँ पर अफ्तिताह हुआ है। और यह श्रवणी नर्सिंग होम तकरीबन 25 साल से ये यहाँ पर लोगों के लिए काम करते आ रहा है। इसके जो ओनर है डॉक्टर सरला, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, एक बेहतरीन डॉक्टर है, बहुत ही अच्छी खिदमत यहाँ के आवाम की कर रहे हैं ये। मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनके दवाखाने को और तरक्की दे और इनके ब्रांचेस खुले। आमीन। मेरा शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशखबरी है कि अहलिया ने कुमारवाड़ी, ईदी बाज़ार, रियासत नगर, मोइनबाग के रहने बसने वालों के लिए, जो कुमारवाड़ी कॉलोनी का जो इंतहा से ज़्यादा मारूफ और मशहूर हॉस्पिटल है, जो सरावनी नर्सिंग होम के नाम से जाना जाता है, बल्कि उससे ज़्यादा जो जाना जाता है डॉक्टर सरला का हॉस्पिटल, हर आम और खास की जबान पे ये आते रहता है कि डॉक्टर सरला का हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे पास कई लोग काम करते हैं, वो देखते हैं, हम बात करते हैं, अरे कहाँ थे भाई, नहीं साहब वो हमारी मिसेज की डिलीवरी थी, कहाँ थी, डॉक्टर सरला के हॉस्पिटल में, तो हम समझ रहे हैं सरला का ही हॉस्पिटल है, मगर नाम है उसका सरावनी हॉस्पिटल, जो अपनी खिदमत में एक इनफरादी मिसाल रखता है। और जो डॉक्टर सरला मैडम है, जो इसके MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो इंतहा से ज़्यादा यानी तजुर्बेकार गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो अपने प्यारे प्यारे स्टाफ के साथ यानी अवामुन्नास की हमतन गोश डे नाइट खिदमत अंजाम देती रहती हैं। तो यहाँ से इस्तेफादा हासिल करने के लिए और फिर यहाँ की आवाम को सहूलत के लिए आज वो वक्तन फ़ौक्तन करते रहते हैं। और एक शानदार मेडिकल कैंप का इनेखाद, उसका इब्तिदा आले जनाब हल्के असम्बली के चार मीनार MLA साहब मिर्ज़ुल्फ़ार ख़ान अली साहब के हाथों जो है इब्तिदा अमल में आया है, और साथ में ललितबाग डिवीज़न के कारपोरेटर अली शरीफ आज़म साहब भी हैं और काफ़ी जमे गफ़ीर है। तो मैं अवामुन्नास से इस्तेफादा हासिल करने की गुजारिश करता हूं कि इस हॉस्पिटल से आज फ्री मेडिकल कैंप का इस्तेफादा भी हासिल करिए, और फिर यहाँ के जो इनके सर्विसेज हैं वो कम दाम पे जो है बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने पूरा MLA साहब के साथ जो है हॉस्पिटल का पूरा मायना किया और देखा, बड़ी खुशी हुई कि ऐसी गुंजार आबादी में एक 50-बेडेड हॉस्पिटल का जो है इनेखाद अमल में डॉक्टर सरला मैडम लाए हैं और 25 साल से जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आपके मशहूर मारूफ कुछ केसेस भी हैं कि जो इंतहा से ज़्यादा क्रिटिकल केसेस को भी जो है आपने कामयाब किया है, ना सिर्फ कामयाब किया बल्कि वो एक क्रिटिकल केस तो बड़ा मशहूर था, उसकी वो बच्चे की शादी भी पर्सन हुई, और इत्तेफाक से हमारे अली शरीफ आजम साहब के जो है कबीले खानदान का जो है फर्द है वो, बड़ी खुशी भी, वो बच्चा भी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में कहीं मैं समझता हूँ, तो मैडम के खिदमत भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि वो ऐसे वैसे बातों पे अफवाहों पे तवज्जो ना दें, इनकी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है किसके हाथ में क्या शिफा रखता है पता नहीं, मगर मैडम के हाथ में बड़ा बेहतरीन शिफा रखा है, वो आए ज़रूर इस हॉस्पिटल से खिदमत को जो है हासिल करते हुए। इस जैसा कि अभी MLA साहब ज़ुल्फ़िकार अली साहब ने जो है अपनी दुआया कलिमात में बोले कि ये हॉस्पिटल 25 साल से सरावनी हॉस्पिटल कुमारवाड़ी कॉलोनी में जो अंजाम दे रहा है खिदमत, इसके कई ब्रांचेस हो, ज़रूर इंशाल्लाह ताला सरला मैडम आपकी बात को पूरा करने के लिए ज़रूर MLA साहब के हाथों से ही जो है एक आध ब्रांच का अनखरी इफ्तिताह अमल में लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज कुमारवाड़ी कॉलोनी हल्के चंद्रन गुट्टा डिवीजन में जहाँ पर श्रीवानी हॉस्पिटल जो हमारे डॉक्टर सरला मैडम के नाम से मशहूर है, वहाँ पर एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया है, जहाँ पर हमारे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के MLA ज़ुल्फ़िकार हुसैन साहब यहाँ पर इनाग्रेशन करे हैं, और हाफिज़ मुजफ्फर हुसैन खान साहब भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी मौजूदगी में इस मेडिकल कैंप का इनाग्रेशन अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर काफ़ी ज़माने से यह हॉस्पिटल मशहूर है, और डॉक्टर सरला मैडम भी हॉस्पिटल के नाम से कम और मैडम के नाम से ज़्यादा मशहूर हॉस्पिटल है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर काफ़ी सालों से मैडम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और मैं MLA साहब का और हाफिज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर
आप शिरकत फरमाएं, और हमारे जो मैडम हैं काफ़ी सीनियर मोस्ट जो गायनेकोलॉजिकल सीनियर सीनियरिटी में बहुत माहिर है आप, क्योंकि आपके हाथों में कई लोग शफा यहाँ से अपना ट्रीटमेंट करा के गए हैं और काफ़ी डॉक्टर्स आपसे एक तजुर्बा मशवरा करते हैं, कुछ सीनियर क्रिटिकल केस भी आ गया तो, और आप भी उनकी हेल्प करके और बात जरूरत पड़ी तो आप उस तरफ जाते हैं जहाँ पर भी सीरियर के केस है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेडिकल कैंप जो मुनक्किद किया गया है, यहाँ पर आप आवाम आप शिरकत फरमा कर यहाँ पर जो भी टेस्ट है यहाँ पर उससे फ़ायदा उठाइए, और फ्री मेडिकल कैंप है ये, और आम दिनों में भी यहाँ पर बिल्कुल कम चार्जेस में आप ट्रीटमेंट भी करते हैं और टेस्ट वगैरह जो भी है आपके ज़रिए से यहाँ से कम में होता है। आवाम से गुजारिश की जाती है कि आप तशरीफ़ लाइए और अपना जो भी ट्रीटमेंट है कराइए इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम, माय डॉक्टर सरला, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट श्रावणी हॉस्पिटल ईदी बाज़ार कुमारवाड़ी कॉलोनी में। आज हम लोग फ्री मेडिकल कैंप कंडक्ट कर रहे हैं सुबह 10 बजे से शाम में 3 बजे तक। यहाँ पर मेरा डिपार्टमेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, वही प्रेग्नेंट लेडीज़ के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स जैसे जनरल फिजिशियन, बीपी शुगर के डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स, और बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिक्स, डेंटल डॉक्टर और फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स, और जिसको बच्चे नहीं होते वो लोगों के इनफर्टिलिटी के डॉक्टर भी मौजूद हैं। सो सुबह से 10 बजे से शुरू हुआ है ये कैंप, और अपने MLA साहब चारमीनार के जुल्फिकर साहब आके इनॉग्रेशन करे, साथ साथ आजम साहब और हाफिज साहब भी आए हुए हैं और एक कैंप का फ़ायदा उठाते हुए। मैडम यहाँ पर कैसा रिस्पांस मिल रहा है कैंप में पेशेंट्स का? हाँ, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। अभी सुबह से अभी तक तकरीबन 800 पेशेंट्स आ गए, और हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर, और हर एक जने देख रहे हैं। मैडम भैया कैंप में जब हम लोग सर्वे देख रहे थे मैडम, ओनली फॉर फीमेल्स जिक्र किया, कैंप ये फीमेल्स का है या मेल्स? नहीं, फीमेल्स और मेल्स के लिए है, और बच्चों के लिए भी है, और हार्ट स्पेशलिस्ट है, शुगर बीपी के डॉक्टर, जनरल फिजिशियन भी है, पीडियाट्रिशियन भी है, हर डिपार्टमेंट का फ्री कैंप चल रहा है। कितने दिन का कैंप है? आज एक दिन का तो फ्री कैंप है, और 5 तारीख तक जो भी प्रेग्नेंट लेडीज आके यहाँ पर एनरोल कर लिए वो लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा डिलीवरीज और ऑपरेशन। और कैंप की टाइमिंग क्या है आज की? 10 बजे से 3 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेवानी नर्सिंग होम ईदी बाज़ार में एक 25 ईयर से यहाँ पे एक हॉस्पिटल रनिंग किया जा रहा था, और यहाँ पे इसके फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर सरला मैडम हैं, जो स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट है, जो स्पेशली ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट दोनों को, प्रेगनेंसी वुमेंस को और डिलीवरी के वुमेंस को, आफ्टर डिलीवरी के केसेस भी और इनफर्टिलिटी केसेस भी डॉक्टर सरला मैडम यहाँ पे देखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो अतराफ़ और अकनाफ के जो भी पेशेंट्स हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे, और छोटे से छोटे बिगनिंग केसेस रहेंगे या क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस भी रहेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ICU और ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह यहाँ पे स्पेशली 24/7 आवर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट मैडम। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के अतराफ अकनाफ और जितने भी यहाँ पे जोराबी की दरगाह से लेकर मोइन बाग तक, रियासत नगर वगैरह पूरे एरिया में ये इंशाल्लाह ताला शेवानी नर्सिंग होम क्या बताने आप लोगों की खिदमत के लिए तैयार है। यहाँ पे पूरी मेडिकल की टीम्स, डॉक्टर्स की टीम्स और टेक्नीशियंस की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप लोगों के लिए सर्विसेज देने के लिए 24/7 आवर्स देने के लिए। यहाँ के आज का मेगा कैंप्स करने का मकसद ही यही था कि अवाम नास को फ्री कराकर आप लोगों को यहाँ पे जो सर्विसेज है यहाँ पे सरला मैडम के अंडर में जो क्या बोलते ना मीटिंग कंडक्ट करके, और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम कंडक्ट करके, पैरामेडिकल की टीम कंडक्ट करके और नर्सिंग स्टाफ्स की मीटिंग कंडक्ट करके यहाँ पे लार्जेस्ट लेवल पे हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए रह रहे हैं, क्योंकि एक सेहतमंद इंसान एक सेहतमंद दिमाग रख सकता है, और एक हेल्थी इंडिया, हैप्पी इंडिया, इंडिया अगर अपन लोग हेल्थी रहेंगे तो इंडिया भी एक हेल्थी रहेगा। तो हम लोग
ये मकसद से हम लोग क्या बोलते हैं, हर एक जने की हेल्थ अच्छी रहना बोल के ये एक मेगा कैंप यहाँ पे कंडक्ट करे हैं, और यहाँ पे लार्जेस्ट लेवल के ख़ास तौर पे जो लेडीज़ के लिए अमराज हैं और जॉइंट्स पेंस के लिए हैं, जॉइंट्स पेंस के लिए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के साथ साथ उन लोगों को फिजियोथेरापी भी आज फ्री कराए जा रहे हैं, और इसी तरीके से डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के टेस्ट और डायबिटीज़ डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, जनरल फिजिशियंस मौजूद हैं, और आई ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के टेस्ट आप लोगों को आई टेस्टिंग फ्री करा रहे हैं, और मेडिसिन भी आपको आज फ्री दे रहे हैं, और शुगर के टेस्ट के लिए डायबिटीज़ के अलावा ऑल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह लैब के पैथोलॉजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी के ये तमाम डिपार्टमेंट के आज इन्वेस्टिगेशंस फ्री करा रहे हैं, मेडिसिन भी फ्री दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसे कैंप्स यहाँ पे और करें और यहाँ के अवामुन नास को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचे, और इस कैंप से आप जो बिगनिंग बीमारी रहती है वो बिगनिंग बीमारी में जब अपना इलाज करा लेते हैं तो वो क्योर हो जाता है, अच्छे हो जाते हैं। अगर वो जाके बिगनिंग बीमारी जाके उन्हें क्रॉनिक डिजीजेस में चले जाता है, वो लाइलाज बीमारी हो जाती है, उसके लिए पैसे और